अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मैं आज सुबह सुबह बहुत जल्दी तैयार होकर यहाँ पर आया हूँ, चूँकि एक सेमिनार था हाउ टू ग्रो ऑयस्टर मशरूम्स एट होम। तो इस हवाले से एक सेमिनार कंडक्ट किया था, अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आई थॉट कि ये जल्दी शुरू हो जाएगा, और मुझे बताया गया था कि ये तकरीबन 10 बजे ये स्टार्ट होगा, बट मैं अभी टाइम क्या हो गया, अभी 11:15 हो चुके हैं। तो अभी तक जो है ना तैयारियाँ चालू हैं। ये यहाँ के जो असल काम होने वाला है वो इसमें बताएंगे कि मशरूम्स अगर आप खाते हैं या आपको शौक़ है तो आप उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज जब मैं सुबह उठा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा फॉग थी, तो तकरीबन शायद 9 बजे के बाद ऐसा था कि फॉग है ही नहीं। तो अभी इधर बैठा हूँ, बहुत तेज़ धूप लग रही है मुझे, अब तो गर्मी लग रही है। तो मेरे सामने सारी तैयारियाँ चालू हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, तब तक हम धूप में बैठ कर धूप सेंकते हैं, सही है ना। उसके बाद फिर अभी शायद 15-20 मिनट और लगेंगे, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो जगह है ना, ये जगह को आप लोगों ने जज नहीं करना, जगह ऐसी है, ये छोटी सी कोई हवेली है। तो मेरे अजीज़ ही हैं जानने वाले, उन्होंने को रेंट पर ली हुई है, तो शायद वो यही काम इधर करते हैं, मशरूम्स को कैसे ग्रो करना है उसके हवाले से सेमिनार कंडक्ट करते हैं। तो ये उन्होंने एक छोटा सा किया, तो मुझे उन्होंने कहा था कि जी आप भी तशरीफ़ लेके हैं, तो हम भी आ गए हैं इधर, सही है। तो बस अभी मुझे आइडिया तो नहीं है, कभी ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो उसकी जो प्लेजेंट स्मेल है, प्लेजेंट मैं बोल रहा हूँ, गंदी बू नहीं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट जितने भी है, अचार की बू अच्छी होती है, गंदी होती है। इसी तरह जब मेरी बेगम मेरे लिए, मैं मार्केट से दही नहीं लाता, अपना खुद घर में बनाते हैं, तो उसमें छाछ या लस्सी डाल देते हैं, दूध गर्म करके उसमें थोड़ा बहुत डाल देते हैं, वो क्या है, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। ये जो मशरूम है ये फंगस है, और ये अच्छी वाली फंगस है। अच्छा, मार्केट में, माहौल में, इन्वायरमेंट में अल्लाह मियाँ ने कई लाख बल्कि कई करोड़ बनाए हैं, कुछ जहरीले हैं, कुछ हमारे लिए माहौल दोस्त, इंसान दोस्त हैं, और हजरत इंसान ने इसको अभी पूरा क्लासीफाई नहीं किया। सर जी, इसको पंजाबी में हमारी जबान में उल्ली बोलते हैं। अच्छा जी। जैसे रोटी के ऊपर सब्जा सा आ जाता है वेट की वजह से, या पानी के ऊपर ग्रीन सा आ जाता है, जो उसी नस्ल में से फंगस बनती बनती इधर को आती है। हाँ, वो जो आप कह रहे हैं उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और उसको ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं, वो फंगस है, वो जहर है। वो फफूंदी अगर आप अपने बाड़े में जानवर को खिलाएं तो उसको पेट में मरोड़ पड़ जाता है। अच्छा। बल्कि अगर ज्यादा खिलाएं तो जानवर आपका मर भी सकते हैं। मर भी सकते हैं। मैंने बोला ना, इसकी किस्में कुछ जहरीली हैं और कुछ इंसान दोस्त हैं। जो जो जहरीली नहीं है उसमें जंगली भी हैं, उसमें जंगली भी हैं, और उसमें फार्मी भी है। और फार्मी से मुराद की जो हम अपने घरों में, अपने यूनिट में हम बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ये तस्वीरें मैंने कागान नारायण में ली थी, और ये मैंने खाई भी हैं। अच्छा, ये वाली मशरूम आपने खाई भी है? ये खाई भी है, ये ऑस्टर टाइप की है, ऑस्टर मशरूम है, और ये वाइल्ड में ग्रो करती है पाकिस्तान। वैसे फार्मी मशरूम की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन हम वो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, वही आपको बताएंगे जो आप कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। तो इसमें जो चार मशरूम है वो माहौल के मुताबिक हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, और कुछ लोग कर रहे हैं। ऑस्टर मशरूम लोग कर रहे हैं, किंग ऑस्टर लोग कर रहे हैं, मिल्की लोग कर रहे हैं, बटन कर रहे हैं। इसमें जो मार्केट में सबसे ज़्यादा हिट मशरूम है वो बटन है। हेलो जी, तो हम घर आ गए हैं, और सबसे पहले मैंने खाना खाया। इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी थी सुबह से, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, वही खाकर गया हुआ था। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैं सीख के आया हूँ, उसके आउटलाइन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मशरूम्स के हवाले से, जो कुछ मैंने आज इसके बारे में सीख लिया, जो कुछ मुझे नॉलेज मिल गया ना यार, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग, दिस इज़ समथिंग आई हैव नो वर्ड्स सिंपली। एक्चुअली वो है क्या, इसमें होता क्या है, मशरूम्स आपने शायद पढ़ा हो, ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, मुझे अभी पता चला है। मैं कितना आई वॉज़ वेरी अनलकी कि मुझे अब पता चल रहा है यार, मशरूम्स होते क्या हैं और बेनिफिट्स क्या है इसके। इसके अंदर ओमेगा 3 है, 6, 9 and 12, रिच क्वान्टिटी है, जिंक है, प्रोटीन है, और इसके साथ साथ ये एंटी रिंकल्स हैं, एंटी एजिंग है, और फुल ऑफ जिंक है,
कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कल्चर टू कल्चर, एरिया टू एरिया। और आम लोगों को तो पता ही नहीं, हम जैसे लोगों को, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आज पता लगा यार ये मशरूम्स होते क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है, मेरी तो आंखें खुल गई। और दूसरी बात ये है कि ये कितना ईजी टू ग्रो है, तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपने घर के अंदर तो ये बहुत ईजी है। इसकी जो रेसिपी है और इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो हमें आम मिल जाते हैं, मतलब कोई तोप नहीं चलानी हमने, बहुत सिंपल है। और वो सारी चीज़ें जो कि इसमें इस्तेमाल होती हैं बाहर इधर हमारे इर्द गिर्द ज़ाया हो रही हैं, किसी को पता ही नहीं है। और वैसे ही भी अगर आप मशरूम्स लेने जाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि कितने महंगे होते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अवेयरनेस है और आप चाहते हैं कि खाने के साथ साथ आप इनको ग्रो भी करें और सेल भी करें, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसिस। और मैंने ये सोच लिया और मैं भी इसको करूँगा यार, ये बहुत ही मज़े का सिस्टम था और मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। खाने चाहिए यार, अब मुझे आइडिया हो गया है, अब मुझे यकीन हो गया कि ये चीज़ हमारे कल्चर में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी ट्राई नहीं की। हमें इसको ट्राई भी करना चाहिए और खाना भी चाहिए और रिकमेंड भी करना चाहिए और इसको अब इसकी प्रमोशन भी करनी चाहिए। जो दूसरा सेशन था वो वर्म्स के हवाले से था, वो जो घुंडोए होते हैं आम देखते हैं ना कि बरसात में जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, वो वर्म कल्चर के बारे में बताया। कल्चर ये कि अगर आप उनको ग्रो करना चाहते हैं, लोग पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं, उनको ग्रो करें और ग्रो करके आप उनको लोगों को सेल करें, जो काश्तकार हैं खासतौर पर उनको कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो हैं वो ऑर्गेनिक वेस्टेज खाते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं खाद के अंदर, विच इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ये फ्यूचर के प्लान्स में इसको भी हमने शामिल कर रहे हैं, इसको भी आने वाले वक्त में देखेंगे, ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे इसको। उम्मीद है कि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, ठीक है, फिर अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।